तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा सुखनू का बाल पढ़नू, पुल देश पांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, आनंद यात्री, मराठी साहित्यकार, व्यक्ति आणि च बलिनी, जैसे दिल्ली से 1965 के अंदर बहुत ही बढ़िया उसको पारितोषिक मिला, दैट इज महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। ऐसे हमारे पुल देश पांडे जो हैं उसका एक खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है सुखनू का बाल पढ़नू। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि उसने जो भी धनराशि प्राप्त हुई वो एशियाटिक सोसाइटी को उसने दान कर दी। और हमने कुछ पहले पैराग्राफ के अंदर समझा कि जीवन के अंदर निशाण न हो तो सारो, इसका मतलब ये नहीं था कि उसको पढ़ना पसंद नहीं था, पर अब कुछ ऐसी बातें हम समझते हैं कि पढ़ने के लिए वो दूर क्यों भागते थे, क्या और किस तरह से उसका जीवन में धीरे धीरे करके आगे बढ़े, वो यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। तो बात कर रहे हैं हम सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड पैराग्राफ में, जहाँ पर हमें बताया गया है कि इसका जन्म कहाँ पर हुआ। हमारे जो लेखक हैं जिसका नाम है पुरुषोत्तम देश पांडे, उसका जन्म हुआ मुंबई में, अंडरलाइन करेंगे, मुंबई में आया हुआ गामदेव विस्तार माँ कृपाल हेमराजनी चाल के अंदर लेखक का जन्म होता है। लेखक का जन्म बचपन के मुंबई सिटी पर, वहाँ पर जो अभी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा गीच एरिया है, उसका नाम है जोगेश्वरी, आज बहुत बड़ा हो चुका है, पर उस समय के अंदर उसका अस्तित्व ही नहीं था ऐसा कह सकते हैं। तो लेखक और उसके पिताजी और उसकी माताजी, लेखक के जो पिताजी थे वो कोल्हापुरी के थे और कोल्हापुर साइड के होने के कारण से कोल्हापुरी भाषा, मराठी भाषा बोलते थे, और जो मम्मी थी वो कारवार प्रांत की थी। तो जो मम्मी थी उसके एरिया के जो लोग हैं वो गाम देवी विस्तार के अंदर, जो गरी गांव विस्तार था, वहां पर चाली में रहते थे। ये जो चाली थे उसका नाम था कीरपाड़ हेमराजनी चाली। कारवार प्रांत के कुछ लोग यहाँ पर रहते थे और उन लोगों को लगा भाई जोगेश्वरी एरिया में कुछ अच्छी सोसाइटी बन रही है। तो लेखक जब ये लिख रहे थे उससे करीबन 55-56, यानी कि 55 से लेकर 56 तक के ये जो ईयर थे, उस टाइम के अंदर वहाँ पर रहने वाले कारवार प्रांत के जो लोग थे वो जोगेश्वरी के अंदर एक सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे थे, मकान बना रहे थे। त्यारे जोगेश्वरी में रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल मतलब एक बना भी नहीं था, डेवलप भी नहीं हुआ था, इतना वस्ट था, कुछ था ही नहीं वहाँ पर। और वहाँ पर जोगेश्वरी के अंदर चार कुटुंब के साथ रहकर एक माँ मस्त मजानू मकान, तेमा त्रण ओरड़ा था, आगे छोटा सा कंपाउंड यानी कि आंगनू, और पीछे के साइड में वाड़ो हो तो जिसमें हम सब्जी वगैरह उगाते थे। ऐसे एक छोटा सा प्यारा सा घर बना के दिया और उसके अंदर करीबन चार पांच कुटुंब हमारे कारवार के जो प्रांत के लोग थे वो इस वसाहत में जाके बस गए। जोगेश्वरी के इस एरिया में हमने इस वसाहत का नाम दिया, दैट इज सरस्वती बाग। पण त्या त्या रहना रो एने सोसाइटी तरीके वधारे ओळखता, मतलब हम ज्यादातर ना सरस्वती बाग बोलते थे और ना ही जोगेश्वरी, कहाँ रहते हो, तो बोला अभी सोसाइटी में जाते, क्योंकि उस वक्त वो वर्ड नया नहीं आया था। बालपण आ सोसाइटी में बीत्यू, बालपण ने सुखी करनारी दरेक वात त्यां हती। ए वर्तुळाकार मतलब सर्कल वाले और अर्ध वर्तुळाकार मतलब हाफ सर्कल वाले वो जो बंगले थे उसके बीच बीच में आए हुए कलब मतलब छोटे बैठा घाट का जो छोटे छोटे मकान थे, वहां पर रहना में बहुत अच्छा लगा। नए नए मकान थे, नए नए लोग थे और थोड़े से लोग थे, पर वहां पर और एक चीज थी जो थी म्युनिसिपालिटी निशा, एटले एक समझी लो के मीठा नो गांगड़ो, मीठा मतलब नमक और गांगड़ो मतलब उसका नमक का टुकड़ा। बस वो म्युनिसिपालिटी के स्कूल के अंदर खेलना कूदना पढ़ना हमारे लिए एक नमक के टुकड़े के समान है। कहते हैं ना कि सब्जी के अंदर अगर नमक नहीं है तो सब्जी की वैल्यू डाउन, दाल के अंदर नहीं है आप मीठा खा खा के थक जाओगे, पर बिना नमक का तो आप खा ही नहीं पाओगे। इस तरह से हमारी लाइफ के अंदर ये म्युनिसिपालिटी के स्कूल के अंदर पढ़ाई करना एक नमक के गांगड़े के समान हमारा सुख था। बाकी तो आ सरस्वती बागनी सोसाइटी नाना बाळको माटे એટલી સરસ હજી કે इसके बारे में बात ही क्या कहूँ। आजे पण ये सोसाइटी छे, पर उसके आसपास बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो चुके हैं, सीमेंट कंक्रीट के इमारत, या ऐसा कह सकते हो कि सीमेंट कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, उससे पूरी की पूरी वो ढंकाई गई छे।
જેવી રીતે ફ્લાવર વાઝ હોતા હોય, ફ્લાવર પોટ હોતા, ઉસકો કહેતે કુંડા. કુંડામાંથી સુંદર ફૂલોનો એકાદ છોડવો, મતલબ પ્લાન્ટ, જૈસે આજુબાજુ મેં જંગલી ઘાસ હોતા હે ના, ઉસકો અડાબીડ ઘાસ કહેતે હૈ. અડાબીડ ઘાસમાં વધેલોને ઢંકાય જાય, બસ ઉસી તરહ સે હમારા યે છોટા સા યે સરસ્વતી બાગ, હમારી સોસાયટી, આજુબાજુ કે સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ કે ઇમારત યા જંગલ કે બીચ કે અંદર યે ઢંક ચૂકી હૈ. એ સમયે જોઈએ તો વહાં પર તો આંબા, જાંબુ, વડ, તાડના અને ઇસકે અલાવા આપને દેખા હોગા જેટલે ડ્રમસ્ટિક હે ના, સરગવા, ઇસકો સરગવા કહેતે હૈ, સરગવાના ઝાડ, અગથિયાના ઝાડ, એ સબ દિખતે થે છે. યહાં પર પેડો કે નામ ખાસ અંડરલાઇન કરેંગે, આંબા, જાંબુ, વડ, તાડ. તાડ તો આપને દેખે હોંગે. ફિર ઇસકે અલાવા હોતા હૈ સરગવાના ઝાડ, જિસકો હમ કહેતે હૈ ડ્રમસ્ટિક, એ સબ્જી ભી બનતી હૈ ઓર સાઉથ ઇન્ડિયન જો દાલ હોતી હૈ ઉસકે અંદર લંબી લંબી જો સ્ટિક કાટ કે રખતે થે, સરગવા. અગથિયા એક પેડ કા નામ હૈ. ઇસકે અલાવા પ્લાન્ટ થે તીન, કોન સે, તો કે ગુલાબના હજારો છોડવા પ્લાન્ટ દિખતે થે વહાં પર. અબોલી એ ભી એક પ્લાન્ટ કા નામ હૈ ઓર કેવડા ભી એક પ્લાન્ટ હૈ. એ સારે યહાં પર કાફી દિખતે થે. કારવાર તરફથી આવેલી સ્ત્રી માથામાં રોજ નવી નવી જાતે ગૂંથેલી ફૂલની વેણી નાખે. વેણી કા મતલબ હોતા હૈ ગજરા. ઓર વો હંમેશા યહાં પર બેઠ કર દોપહર કા સમય હોતા, સારે કે સારે જો પુરુષ હોતે થે વો અંધેરી સ્ટેશન સે બોમ્બે સ્ટેશન જાતે, એન્ડ બોમ્બે મેં વો ઇંગ્લિશ નામ વાલી જો બડી બડી કંપનીયા થી ઉસકે અંદર કામ કરતે, રાત કો આતે તો પૂરા દિન યે જો સરસ્વતી ભાગ યાની કે યે જો સોસાયટી થી ઉસકે અંદર ઔરતે ઔર બચ્ચો કા હી રાત ચલતા થા. ઔર ઇસકે કારણ સે કારવાર કી સ્ત્રી થી વો દોપહર કે સમય માથામાં વેણી યા તો ફૂલ બનાતી રહેતી થી. બપોર થતા અમારા ઘરે ઘરે પરસાળમાં મતલબ કમ્પાઉન્ડ મેં સ્ત્રી બેઠતી ઓર સબ મિલકે વેણી ગૂંથતી. યે દેખને કા અલગ પ્રકાર કા હી મઝા આતા થા. યે આપકે સામને કેરી, મેથ્સ યાની કે ગણિત મુજે અચ્છા નહીં લગતા થા, આમલી ઓર ઇસકે અંદર કા જો હોતા હૈ વો ઘર ભગવાન કૈસે બનાતા થા, યે હમેશા ક્વેશ્ચન હોતા. ઇતની ઊંચી નારિયેલી હોતી હૈ પર યહાં પર મીઠા પાણી કોન દેતા થા, યે ભી હમેશા ક્વેશ્ચન હોતા થા. ઓર યે સમજને કે લિયે મુજે થોડા મેથ્સ મેં પ્રોબ્લેમ ભી હોતા. જોગેશ્વરી એરિયા વહાં પર હમેશા ભગવાન કો બોલતા કે હે ભગવાન પ્લીઝ પુરવણી કે અંદર યે શાહી મતલબ ઇમ્પોર્ટ મત ગિરને દેના. મેં ભગવાન કો બેલ બજાતે જગાતા કે પ્લીઝ ભગવાન આજ એક્ઝામ હૈ મેરી, જાગના ઓર સપોર્ટ કરના, દંડવત પ્રણામ ભી કરતા. ઓર ઇસ તરહ સે જોગેશ્વરી મેં મેરા બચપન બીતા. આગે પડતે જોગેશ્વરી ની આ કોલોની આસપાસ જંગલ હોવાથી સાપનો થોડો ડર રહેતો હતો. એ વાત હમ બાદ મેં કરતે, પહેલે એ દેખ લેતે કે પશ્ચિમની હદે રેલવેની પાટા, પાટા બોલે તો લાઇન કો કહેતે પાટા. અલગ અલગ ડિરેક્શન કી બાત કરે તો અંડરલાઇન કરેંગે, પશ્ચિમ સાઇડ કી જો ડિરેક્શન થી વહાં પર રેલવે લાઇન જાતી થી. સોસાયટીના મકાન થોડા ઊંચા, ક્યુકિ આપકો પતા હૈ જો રેલવે ટ્રેક હોતી હૈ વો થોડા ઉપર સે હોતા થા, તો વહાં પર થોડે મકાન ઊંચે હોતે થે. એટલે વહાં સે હમ નદીના ઊંચા કિનારા પરથી પાણી વહેતું હોય વો હમેશા દેખતે રહેતે, રેલ કી પટરી કો દેખતે રહેતે. ઓર ઇસકે અલાવા જો બાકી ડિરેક્શન હૈ યાની કે પૂર્વ, દક્ષિણ ઓર ઉત્તર, એમ ત્રણેય બાજુ જો ઝાડ હતા ઉસકો દેખતે. આજુબાજુમાં ડાંગર, જિસકો ચાવલ હોતે ના, ઉસકા ફર્સ્ટ સ્ટેપ દેટ ઇઝ ડાંગર ઓર સેકન્ડ સ્ટેપ ઇઝ અ ચાવલ, ઉસકે પર લેયર હોતે હૈ, ઉસકો ડાંગર કહા જાતા હૈ, જિસકો હમ ઇંગ્લિશ મેં પેડી કહેતે હૈ. તો ડાંગરના મોટા મોટા ખેતરો અને પૂર્વમાં નજીકની એક ટેકરી, એની પાછળ ડુંગરોની મોટી મોટી હાર મતલબ લાઈન, ટેકરીઓની ઉપર તાડના ઝાડ થાય ખીચો ખીચ, મતલબ આપ દૂરસે અગર દેખોગે તો માઉન્ટેન, છોટે છોટે હિલ જિસકો ટેકરી કહેતે હૈ, ઉસકે ઉપર મસ્ત લાઈન વાઇઝ ખડે હોતે થે તાડના ઝાડ. કભી કભી તો પેડ કે ઉપર યા ફિર ઇસ ઘર કે ઉપર ખડે રહેકર ઉસ તાડ કે ઝાડ કો ભી ગિનતે થે. ટેકરી પર આજ કી બહોત હી પ્રસિદ્ધ હૈ, ઉસકા નામ હૈ ઇસ્માઇલ કોલેજ, અંડરલાઇન કરેંગે. ઇસ્માઇલ કોલેજ પણ ત્યાં જ બાંધવામાં આવી હતી. આથી કોલેજ નામનો શબ્દ શાયદ આપ તો બડે હો કે સુના હોગા, પર મેને તો ઉસ ટાઈમ પે છેક બચપન સે હી સુન લિયા થા. હાલમાં તો યહાં પર અફાટ ગીર્દી છે, મતલબ ભીડ હૈ. ઓર અગર આપ વહાં જાઓગે જોગેશ્વરી ઇસ્માઇલ કોલેજ કે આજુબાજુ મેં,
तो आपको सिर्फ भीड़ 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 ट्राफिक 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 ही दिखेगा। गिरती थी उभराए छे एवो रस्तो छे। और उस टाइम के अंदर वहाँ पर चकलुई फरक तू नो तू, मतलब वहाँ पर एक चिड़िया भी घूमने नहीं जाती थी, वो जंगल में कौन जाएगा। पर आज वो काफ़ी भर चुका है। आगे बात करें सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में अमे बाड़कों ना वडीलो काका मामा एवो पुरुष वर्ग लगभग सवारे 9 वाग्या सुधी जमी परवारी परवारी मतलब काम कंप्लीट कर अंडरलाइन करेंगे अंधेरी अंधेरी स्टेशन है वहाँ से छुप छुप गाड़ी में बैसी अने मुंबई में कारकुनी करवा जाए। कारकुनी मतलब क्लर्क का काम करने, ऑफिस वर्ग होता है उसमें अलग अलग प्रकार का काम होता है, उसमें क्लर्क को कारकुन का काम कहते हैं। तो मुंबई ने कारकुनी करवा माटे ऑफिस जाता हता। इज अ वर्ड इज अ ऑफिस, पर क्या है कि उस टाइम पे हमें ऑफिस बोलना आता नहीं था तो अ की जगह हम ह बोलते थे। ऑफिस जाता अने ए समय पत्नी पण नाम जाहिर करवानो उच्चारती नहोती। उस टाइम पे आज भी आप देखो काफ़ी सारे सीरियलों में बोलते हैं टप्पू के पापा कैसे हो, दिनू के पापा कैसे हो। तो नॉर्मली पत्नियां अपने पति का नाम उच्चारती नहीं है, बोलती नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बोलने से शायद पति की उम्र कम हो जाती है। ले उस टाइम पे भी ऐसा था कि कोई दिनू ना बापू के पक्षी विनू का बापू, या फिर अभी काफ़ी सारे घरों में होता है ए सुनते हो जी, ऐसा ए कह के भी बुलाते थे। और ऐसा यह किस्सा है कि सोसाइटी में हमारे एक बहन था, वो हमेशा अपने पति को दिनू का बापू के विनू का बापू या फिर ए करके नहीं बुलाते थे। उसने अपना एक स्पेसिफाई वर्ड रखा था, वो ऑफिस नहीं कहते थे, हमेशा बोलते थे ऑफिस, अपने पति को ऑफिस कहती थी। चालने बहन ऑफिस आवानो समय थई गयो छे, हमने ऑफिस आवशे, ऑफिस हमने ज गयो छे, ऑफिस तो आवो छे ने ऑफिस तेवो छे, એવું બોલતા મજા આવતી, અમે વાતો પણ કરતા। એકવાર વડીલ મંડળી ઓફિસમાં જાય એટલે સોસાયટીમાં છોકરા છોકરીઓ બા બહેનો બસ ઉસકા હી રાત ચલતા થા ઓર જલસે કરતે થે। સિલેક્ટેડ પુરુષ વર્ગ યહાં પર જોગેશ્વરીમાં પાએ જાતે થે। કોન કોન થે ઉસમે યહાં પર બતાયા ગયા કે રમલાઓ નિશાળના ગોખલે માસ્તર, હમારી બાજુમાં જો સ્કૂલ થી સ્કૂલ કે માસ્ટરજી નંબર વન, દૂસરે થે સલગર ડોક્ટરજી, तीसरे थे बड़ा सा वहाँ पर एक कुआ था। अब कुएं का पानी हमें मिलता था, उस वक्त म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का पानी नहीं आता था। तो मस्त मोटा कुआ में बैठा लो टाकीनू जो इंजन था उसको चालू करने वाले हमारे दत्तू मामा, ये नंबर 3। और इसके अलावा थे हमारे रामेश्वरम मंदिर के पुजारी, ये 4। बस गणिए गांठे काउंट कर सके उतने पुरुष यहाँ पर पाए जाते थे। बहू बहू तो 5-10 पैसे पेंशन वाले हमारे दादाजी या नाना जी, वो मराठी बस वो ही पाए जाते थे, उससे ज़्यादा नहीं। फक्त निशामत मराठी, बाकी बद्दी जगह है हम करवारी भाषा में ही बोलते हैं। जैसे देखो अभी गुजराती है, गुजराती इज अ भाषा, पर सूरती इज अ बोली, मेहसाणी बोली, काठियावाड़ी बोली, कच्छी बोली, उस तरह से मराठी भाषा है और करवारी एक बोली है। तो मराठी लैंग्वेज के अंदर करवारी बोली सबके साथ बोली जाती थी। हमारी सोसाइटी में दूध आपने वाले एक बंदे भी आते थे जिसका नाम था राम गुलाम भैया। तो देखो हमारे पास पुरुष जाति कौन कौन से हुए, तो के गोखले मास्टर, सलगम डॉक्टर, दत्तू मामा, रामेश्वरम के पुजारी, इसके अलावा थोड़े बहुत पेंशन वाले दादाजी, हाँ ये भी आएंगे, दैट इज राम गुलाम भैया। और एक लेडी आती थी जो हर रोज माछला बेचवा माटे पाए आती थी। हम देखने जाए तो 2 लोग बाहर से आते थे, एक राम गुलाम भैया जो दूध देने आते थे और एक मच्छी बेचने वाली बाई। उन सब के साथ हम करवारी भाषा में ही बात करते थे। ऐसा था कि हमारा ये जो करवारी भूलोक है, ये हमारा जोगेश्वरी भूलोक है, वहाँ पर ज़्यादातर हम करवारी बोली में ही बात करते थे। बाकी हमारे पिताजी ऑफिस में अंग्रेजी, मंदिर के अंदर भजन कीर्तन के दौरान हम मराठी बोलते थे। हमारा पहला ने बीजा धोरणना वागले ये सारे सरनेम है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर सबको सरनेम के द्वारा ज़्यादा बुलाया जाता है। और ये मेरे जो बचपन के मित्र थे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में, उन सबका नाम यहाँ पर बताया गया, दर इज वागले, नाडकर्णी, वाघ, राया फेणे, देसाय, तेलंगम वगैरह, हम उसके साथ कोंकणी भाषा में बात करते थे। और मैं अकेला था देशी घाट का देश पांडे, मैं दुभाषिया था। काफ़ी सारे को कोंकणी आती थी तो काफ़ी सारे को कारवारी आती थी, कोई कोल्हापुरी बोलता तो कोई मराठी बोलता,
किसी को जब समझ में नहीं आता तो मैं सबके लिए दुभाषा बनता, यानी कि एक ट्रांसलेटर बनता। इवन मेरे घर में भी मारी माता करवारी में बोलती और मेरे बापूजी मराठी बोलते। इसके कारण से मारा बापू एकला एकला कोल्हापुरी में बात करते तो मेरी माँ करवारी में बात करती। झगड़ा होता तो मैं सपोर्ट करने चले जाता कि मम्मी देखो पापा ऐसा बोल रहे, पापा देखो मम्मी ऐसा बोल रहे हैं। और इस तरह से मेरे जीवन के अंदर ये मराठी, कोंकणी, कोल्हापुरी, ऑफिस वाली अंग्रेजी, ये सब आ गए। इन सभी बड़ी लोग के बीच काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ समझा, मित्रों के साथ खेला बड़ा, ऑफिस कैसे हुआ और विनू का बापू कैसे हो जाता है। इस्माइल कॉलेज, वहाँ पर पहले चिड़िया भी नहीं घूमती थी और आज इतनी सारी भीड़ क्यों आ जाती है। पश्चिम की दिशा के अंदर रेल की पटरी से ऊंचे घर थे तो पूर्व, दक्षिण और उत्तर की साइड के अंदर डांगर के खेतर थे। ये सारी चीज़ें बचपन में बहुत ही अच्छी तरह से हमें याद रहती थी। आज भी हम उस पेड़ को पहचान सकते हैं। आज की जनरेशन जो व्हाट्सअप पे और टैबलेट और फ़ोन के लोग अंदर लगे रहते हैं, उसको ये पता नहीं होता है कि कौन सा प्लांट का नाम क्या है, वो किस तरह से हमें मदद करता है। हमें मोबाइल फ़ोन सारी चीज़ें आयुर्वेदिक मेडिसिन देता है, पर मेडिसिन को पहचान करने की ताकत जब फील्ड में जाएंगे तभी मिलती है। और हमारे टाइम ऐसा था कि हम मार्केट में, मतलब दुनिया में, यानी कि कह सकते हैं कि हम मैदान में घूमते थे, उस प्रकृति का माहौल को फील करते थे। इसके कारण से कि बचपन